हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, ये गियरलेस स्कूटर पे एक सीरीज़ है। पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और इस पार्ट में मैं आपको तीन बेसिक थिंग्स बताने वाला हूं कि इसका इंजन ऑयल कैसे रिप्लेस करते हैं, गियर ऑयल कैसे रिप्लेस करते हैं और एयर फिल्टर कैसे रिप्लेस करते हैं या क्लीन करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इजी है, तो एक्चुअली जिन्होंने ये किया है तो उनके लिए बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है। बट जिन्होंने अभी ये स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी खुद से रिपेयर करने के लिए, वो आज भी किसी मैकेनिक या सर्विस सेंटर पर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये इंजन अभी बाहर है तो हर एक चीज़ को मैं क्लियरली दिखा पाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा नट होता है, किसे ओपन करना पड़ता है, तो बहुत ही क्लियरली आपको पता चलेगा और सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप भी अभी तक अपने स्कूटर को खुद से सर्विस नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तो यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में और बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तीन काम, अगर ये तीन काम आप कर लिए तो आपका जो इंजन रहेगा बहुत ही हेल्दी रहेगा हमेशा के लिए। तो इस तीन चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम आप किसी सर्विस सेंटर और किसी मैकेनिक पे इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंजन ऑयल कैसे रिप्लेस करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इंजन है ये हीरो मोटोकॉप का जो प्लेजर है उसका इंजन है और ये इंजन सेम होता है आपका जितना भी हीरो मोटोकॉप का और होंडा का जितना भी गियरलेस स्कूटर है उसमें ये प्रोसेस सेम होता है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है। आप इसी तरह से सारे स्कूटर्स में कर सकते हैं और बाकी जो दूसरे ब्रांड्स के हैं उसमें भी ये जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आइए पहले इसका हम लोग इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं, उसके बाद गियर ऑयल रिप्लेस करेंगे और फाइनली हम लोग इसके एयर फिल्टर को देखेंगे। तो ये है इंजन का राइट साइड और यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखेंगे तो एक 17 नंबर का बोल्ट आपको दिखेगा। ये देखिए, ये 17 नंबर का सॉकेट है मेरे पास और ये बोल्ट है 17 नंबर का, ठीक है। यही है आपका ड्रेन बोल्ट, इसे ही अगर आप ओपन करेंगे तो जो ऑयल है इसके चैम्बर में वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। बट ऑयल बाहर निकालने के पहले, ड्रेन करने के पहले, आप अपने स्कूटर को 5-10 मिनट्स कहीं ड्राइव कर लीजिए तो थोड़ा सा आपका इंजन वार्म हो जाएगा और जो ऑयल है वो इजली ड्रेन हो जाएगा और कंप्लीट ऑयल आपका ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। ऑयल ड्रेन करने के पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, ये जो आपका डिप स्टिक है जिससे कि आप अपने ऑयल का लेवल चेक करते हैं इसे ओपन करना है। और ऑयल ड्रेन करने के पहले आपको ऑयल का लेवल ले लेना है। तो ऑयल ड्रेन करने के पहले अगर आप इसका लेवल चेक कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलने वाला है कि आपको अपने इंजन के हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। अगर ये ऑयल लेवल आपने ज़्यादा डाला था, यहाँ तक डाला था और ये रिड्यूस होके बहुत नीचे तक चला जाता है, मतलब कि आपका जो इंजन है वो ऑयल कंज्यूम करने लगा है या कभी कभी रेयर केसेस में लीकेज भी होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इंजन का हेल्थ कैसा है। सपोज आपने यहाँ तक मैक्सिमम लिमिट तक ऑयल डाला था और जब आफ्टर 3000 किलोमीटर्स आपने इसको जब चेक किया तो यहाँ पे ये लो लेवल पे आ गया, तो एक बात आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका इंजन ऑयल कंज्यूम करने लगा है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है और इन वर्स केस, कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्स केस होता है तो बहुत जल्दी जल्दी आपका ऑयल कंज्यूम करने लगता है इंजन और वहाँ पे वाइट स्मोक का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसे चेक किया है तो ये सही है, अभी इंजन हेल्दी है। ये देखिए, मैंने मैक्सिमम तक डाला था और ये यहाँ तक है, ठीक है। तो ये अभी इंजन ऑयल कंज्यूम नहीं कर रहा है, बहुत राहत की बात है, आपको भी चेक करना चाहिए।
इंजन ऑयल ड्रेन करने के पहले, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस ऑयल के कलर से आपको क्या पता चल रहा है, ये ऑयल अभी कितना पुराना है, ये आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मैंने इसके डिप स्टिक को जस्ट लूज़ कर दिया है और मैंने चेक कर लिया, एक बहुत बड़ा काम मेरा हो गया है। तो अब हम लोग इस ड्रेन बोल्ट को लूज़ कर देंगे। यहाँ पे ये 17 नंबर का है, मैंने आप लोगों को बताया है, ये देखिए ये लूज हो गया, ठीक है। इससे हम आराम से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ड्रेन पैन लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही केयरफुली आपको इसे ओपन करना है क्योंकि ऑयल आपका हॉट रहेगा, तो बहुत ही केयरफुली आपको इसे हैंडल करना है। यहाँ पे मेरे केस में ये कोल्ड है, ये देखिए ये ड्रेन होना स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रेन होना स्टार्ट हो गया ऑयल। ये देखिए कितना अच्छा से ये ड्रेन हो रहा है। तो ओल्ड ऑयल अपने स्पीड से ड्रेन हो रहा है, तब तक हम लोग आ जाते हैं इंजन के जस्ट अपोजिट साइड और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपके इंजन का कैपेसिटी कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके इंजन का नंबर कितना है, कभी कभी आप खोजते रहें कि कहाँ पे इंजन नंबर लिखा रहता है, तो ये देखिए यहाँ पे इंजन नंबर आपका इंग्रेव किया गया है। बट हमारे मतलब का जो चीज़ है अभी वो है ये कैप, ये जो आपको कैप दिख रहा है इसे हम लोग को ओपन करना है। इसी के अंदर आपका ऑयल स्ट्रेनर या ऑयल फिल्टर आप कह सकते हैं रहता है, इसे हम लोग को ओपन कर लेना है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसे आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, और कभी भी जो आप ऑयल रिप्लेस करते हैं तो उसको स्किन के टच में नहीं आने दीजिए, बहुत ही केयरफुली, या फिर आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए। ये देखिए यहाँ पे इस कैप को हम लोग ओपन कर लेंगे बहुत ही प्यार से, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ से ऑयल बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो कैप है और कैप के अंदर एक ओरिंग है, इसे आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्प्रिंग आएगा इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर स्प्रिंग है, इसे भी आपको सेफली रखना है। और यहाँ पे है आपका ये जो ऑयल फिल्टर बोल सकते हैं, स्ट्रेनर बोल सकते हैं, इसको आपको केयरफुली बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इससे आपको केयरफुली बाहर निकाल लेना है, ये देखिए ये आपका स्ट्रेनर है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बियरिंग आपके इंजन के अंदर कट गया है तो यहाँ पे आपको मेटल पार्टिकल्स दिख जाएगा, तो आप इसको अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए और उसके बाद इसे क्लीन कीजिए। बट यहाँ पे देखिए ये क्लीन ही है, फिर भी मैं इसे थोड़ा बहुत क्लीन कर लूँगा। और यहाँ पे कुछ भी आपके अगर इंजन में कट रहा है, कोई बियरिंग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है, यह आपका मेटल पार्टिकल यहाँ पे दिखने लगेगा, तो इसको भी इंस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए अभी ये ऑलमोस्ट क्लीन ही है, तो इंजन ये वाला कम्प्लीटली हेल्दी है, कोई भी बियरिंग किसी में भी प्रॉब्लम नहीं अभी है, तो इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो ओल्ड ऑयल हमारा ड्रेन हो रहा है, बट इसी बीच आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकता है कि ये जो ऑयल हम लोग ड्रेन करते हैं वो कितने 1000 किलोमीटर्स के बाद ड्रेन किया जाता है, और जो न्यू ऑयल हम लोग डालेंगे वो कौन सा ग्रेड का रहेगा, कितना लीटर डालना है, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये जितना भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस है इसका एक्यूरेट आंसर आपको अपने व्हीकल के बाइबल में, मतलब ओनर्स मैनुअल में मिल जाएगा। आप इसको ओपन कीजिए, कभी भी इसे आप मिस मत कीजिए, इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी रहती है, तो इसको आपको कभी भी मिस नहीं करना है। ये देखिए जैसे ही आप इसके पेजेस को पलटेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंजन ऑयल यहाँ पे देखिए 0.80 लीटर्स, ठीक है,
और ये जो 0.80 लीटर्स है, ये जब आप इंजन ओपन किया जाता है कभी रिपेयर करने के लिए, कंप्लीट इंजन ओपन होता है उस समय लगता है। और जो जनरल ड्रेनिंग होता है, जैसे कि अभी हमने इसका ऑयल सिर्फ बाहर निकाला है, इंजन को ओपन नहीं किया है, तो यहाँ पे 0.70 लीटर्स मोर देन एनफ होता है। उसी तरह अगर आप ट्रांसमिशन ऑयल का देखेंगे तो यहाँ पे 0.12 लीटर से 0.10 मतलब 100 ml के आसपास इसमें रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस मैनुअल को तो सारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका दिया रहता है, जैसे कि जो एयर फिल्टर है कब रिप्लेस करना है, तो इसके हिसाब से 12,000 किलोमीटर पे आपको रिप्लेस करना है। कभी कभी बहुत डस्टी एरिया रहता है तो उस समय आपको कुछ जल्दी ही रिप्लेस करना पड़ता है, कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, बट इसके हिसाब से ये 12,000 किलोमीटर पे दिया हुआ है। इंजन ऑयल आपका ये रिकमेंड कर रहा है कि एवरी 3,000 के ड्यूरेशन में आपको रिप्लेस करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो गियर ऑयल है ये 10,000 to 12,000 पे आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल आपका दिया हुआ है इसी के अंदर। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, ठीक है, तो 10W30 आपको ग्रेड यूज़ करना है। तो जो भी आपका गियरलेस स्कूटर है या जो भी आपका व्हीकल है, अगर उसके ओनर्स मैनुअल को आप देखेंगे तो सारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, और वो भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। मैंने देखा है बहुत सारे सर्विस सेंटर वाले, बहुत सारे मैकेनिक, बहुत सारे लोग भी, वो लोग क्या करते हैं कि 1000 किलोमीटर पे ही इंजन ऑयल रिप्लेस करने लगते हैं और साथ में गियर ऑयल भी रिप्लेस कर देते हैं, एयर फिल्टर भी चेंज करने लगते हैं। तो ये सब जो अननेसेसरी आप फ्रीक्वेंटली रिप्लेस कर रहे हैं, ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है। आप अपने ओनर्स मैनुअल को देखिए कि वो क्या रिकमेंड किया गया है, उसी हिसाब से आप उसे रिप्लेस कीजिए। हाँ, 200-300 किलोमीटर पहले अगर आप रिप्लेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही रहेगा, बट मनी का वेस्टेज आपको नहीं करना है। तो अभी अराउंड 20 मिनट्स हो चुका है और जो ऑयल है कम्प्लीटली ड्रेन हो चुका है। तो ये जो आपका क्वांटिटी है, ये ड्रेन प्लग जो पहले हमने ओपन किया था उसका है, और ये है दूसरे साइड का, इसमें थोड़ा ही सा बाहर आया है फिल्टर साइड का। तो ये देखिए यहाँ पे कितना बाहर आया है, 700 ml, ठीक है, 700 ml बाहर आया है, जैसा कि आपने मैनुअल में देखा था। मैनुअल में यही चीज़ बहुत अच्छा होता है, हर एक चीज़ बहुत ही एक्यूरेट दिया रहता है। तो आप अपने मैनुअल को कभी भी मिस मत कीजिए, और कुछ भी अगर काम करते हैं तो अपने व्हीकल के मैनुअल को ज़रूर आप एक बार देखिए। होता क्या है कि जो मैकेनिक होते हैं उन्हें मतलब सारे मतलब क्लियर कट आइडिया नहीं रहता है, किसी में ज़्यादा पड़ता है किसी में कम पड़ता है, तो मैंने कहीं कहीं देखा है कि वो लोग 1 लीटर भी डाल देते हैं। तो ये बहुत गलत है, जितना हार्मफुल लो लेवल ऑफ ऑयल होता है उतना ही हार्मफुल लेवल से ऊपर होता है, बहुत डेंजरस होता है अगर आप ज़्यादा ऑयल डालते हैं। अगर यहाँ पे आपका इंजन डिमांड कर रहा है 700 ml, तो अगर आप 1 लीटर डाल देते हैं, इतना एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस है आपके इंजन के लिए। तो इस तरह से आप अपने इंजन को स्पॉइल मत कीजिए, जो क्वांटिटी है उसको आप देखिए कि कितने आपके मैनुअल में रिकमेंड किया गया है, वही आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए ये 700 ml के आसपास, ये तो थोड़ा सा है, 700 ml के आसपास इसमें से बाहर निकला है ओल्ड इंजन ऑयल। तो ये है हमारा ड्रेन बोल्ट, और इसमें आपको ध्यान देना है, एक अल्मीनियम वाशर होना चाहिए, ये लीकेज को प्रिवेंट करता है। अगर आपके पास न्यू अल्मीनियम वाशर है तो बेस्ट है, उसे आप लगा दीजिए, ठीक है, और इसे अच्छे से क्लीन करके जैसे आपने बाहर निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह आपको इसे अपने जगह पे लगा देना है। ये देखिए, इसे आप टाइट कर दीजिए अच्छे तरह से कि यहाँ से कोई लीकेज ना हो, बट ये ध्यान रखिए कि इसे आपको ओवर टाइट नहीं करना है, ठीक है, बस इतना टाइट करना है कि ये खुद से बाहर ना आए और इससे कोई लीकेज भी ना हो। ये टाइट हो गया अच्छे से, उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरी साइड, इसे आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से। और ये जो फिल्टर था इसे मैंने क्लीन कर लिया है बहुत ही अच्छे से, इसे हम लोग अपने जगह पे लगा देंगे सेंटर में, अच्छे से बैठना चाहिए। ये देखिए अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है, और इसमें सबसे जो अच्छा बात था वो था कि इसमें कोई भी मेटल पार्टिकल नहीं था।
उसके बाद ये स्प्रिंग, ये देखिए स्प्रिंग आ गया, और ये जो कैप है ये हम लोग लगा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक ओरिंग रहता है, उसको आपको नहीं भूलना है। अगर ये ओरिंग नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। और इसके बाद इसे हम लोग अपनी जगह पे लगा देंगे कैप को। उसके बाद इसे हम लोग टाइट कर देंगे, ये टाइट हो गया। तो इसमें अब हम लोग ऑयल बाद में पोर करेंगे, पहले हम लोग गियर ऑयल का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा गियर ऑयल का सिस्टम। तो ये जो बोल्ट है ये ड्रेन बोल्ट है, यहाँ से ऑयल बाहर आता है और यहाँ से हम लोग पोर करते हैं। तो इस दोनों को हमें ओपन करना पड़ता है, और इस बोल्ट का जो साइज़ है वो है 12 mm। तो हम लोग 12 mm के सॉकेट का यूज़ करेंगे। तो हम लोग बहुत ही प्यार से इसे ओपन करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये लूज हो गया है ड्रेन वाला। तो इसे हम लोग लूज कर देंगे। जैसे ही लूज करेंगे ऑयल बाहर आने लगता है। ये देखिए, ये ऑयल बाहर आने लगा, और इसके ऑयल के कलर से ये पता चल रहा है कि इसके गियर ऑयल में आपका वाटर मिक्स हुआ है, क्योंकि मैंने इसे फ्लड में चलाया था। तो यहाँ पे इसमें वाटर मिक्स हुआ है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है आपके गियर्स के लिए। और यहाँ पे हमें अपर बोल्ट है जिससे कि हमें पोर करना है, वो भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि पोर भी हमें करना है। तो इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, इसके कलर से आपको पता चल रहा होगा कि ये पानी में गया है और इसमें वाटर मिक्स हुआ है। ये देखिए, तो इसे हम लोग अच्छे से ड्रेन होने देते हैं। तो ये रहा इसका गियर ऑयल, और इसका कलर थोड़ा वाइटिश हो गया, अजीब टाइप का हो गया है। और ये तब होता है जब गियर ऑयल में वाटर मिक्स हो जाए। और मैंने इस स्कूटर को चलाया था फ्लड में, और बहुत बार अराउंड मैंने 25 days या 1 month मैंने ड्राइव किया है फ्लड वाले सिचुएशन में, और इसके गियर में बहुत सारा पानी गया है। और बट एक चीज़ अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें कोई भी आपका मेटल पार्टिकल देखने को नहीं मिल रहा है, मेटल पार्टिकल नहीं है इसमें अभी। तो ये बात एक अच्छा है कि कोई भी मेटल पार्टिकल मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब गियर नहीं कटा है, गियर अच्छे कंडीशन में है। तो इसे हम लोग ओपन करेंगे, और इसका मुझे व्हील बियरिंग भी रिप्लेस करना है, क्योंकि इसका व्हील बियरिंग भी डैमेज हो गया है। तो गियर ऐसे भी हम लोग ओपन करेंगे ही। तो जब तक इसका गियर ऑयल ड्रेन होता है, हम लोग आते हैं इसके एयर फिल्टर पे। तो एयर फिल्टर के इस कवर को हम लोग को ओपन करना होगा, और इसके अंदर आपका रहता है एयर फिल्टर। तो यहाँ पे ये देखिए, एक स्क्रू यहाँ पे हिडन रहता है, इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप इसे नहीं ओपन करेंगे तो ये बाहर ही नहीं आएगा। सारे जो स्क्रूज हैं आपको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, आपको अच्छे से देख लेना है, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाहर नहीं आएगा। इस स्क्रूज को आपको ओपन कर लेना है अच्छे से। तो आप जैसे ही इस स्क्रू को ओपन करेंगे, ये कवर आपका बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये कवर आपका बाहर आ गया, और यहाँ पे आपका ये एयर फिल्टर एलिमेंट है, यहाँ पे लगा हुआ है ये इस तरह से। यहाँ पे देखिए, ये एयर फिल्टर आपका एलिमेंट है। ये देखिए, यही एयर फिल्टर एलिमेंट है। या तो आप चाहें तो इसे आप निकाल करके इसे रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें, ज़्यादा अगर डर्टी नहीं है, इस केस में ये ज़्यादा डर्टी नहीं है, तो कंप्रेस्ड एयर से आप इसे ऑपोजिट साइड से ब्लो करके इसे आप क्लीन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इस कंप्लीट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेम से बाहर है, अभी टाइम है। ये देखिए, बॉक्स भी बहुत ज़्यादा डर्टी है ये, तो मैं ये कंप्लीट बॉक्स को ही ओपन करके क्लीन करूँगा। ये देखिए, ये भी जो हॉस पाइप है ये भी बहुत ज़्यादा डर्टी है, तो मैं ये कंप्लीट
बॉक्स को ही ओपन करके अच्छे से क्लीन करके फिर से इसे फिट करूँगा। यहाँ पे और यहाँ पे दो 10 नंबर का बोल्ट है, इसे मैं ओपन करूँगा तो ये बॉक्स आ जाएगा बाहर, 1 और 2। ये देखिए, ये कंप्लीट बॉक्स मैं बाहर निकाल रहा हूं और इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगा और उसके बाद मैं इस पे फिट करूंगा इसे। ये देखिए, ये बॉक्स कंप्लीट एयर फिल्टर बॉक्स बाहर आ गया। अब इसे हम लोग इजीली क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसे माउंट करूंगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा डर्टी है, तो इसे पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग माउंट करेंगे। तो यहाँ पे गियर ऑयल कम्प्लीटली ड्रेन हो गया है और ये जो ड्रेन बोल्ट है इसे मैं लगा दूंगा, जैसे मैंने ओपन किया था एग्जैक्टली उसी तरह से लगा देंगे और इसे टाइट कर देंगे। टाइट इतना करना है कि यहाँ पे कोई भी लीकेज ना हो और ज़्यादा इसे टाइट नहीं करना है। अगर ज़्यादा अगर आप टाइट करेंगे तो इसका थ्रेड डैमेज हो जाता है। तो इंजन ऑयल आप कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ओनर्स मैनुअल है जो ग्रेड रिकमेंड करता है, जैसे कि इसमें 10W30 रिकमेंड किया जा रहा है तो मैं 10W30 ग्रेड यूज़ कर रहा हूँ। और गियर ऑयल के लिए आप इंजन ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ चाहते हैं अपने स्कूटर के गियर से तो गियर ऑयल का आप यूज़ कीजिए। और कैस्ट्रॉल में यहाँ पे ऑफर है, ये देखिए 324 में, एक्चुअली आफ्टर डिस्काउंट ये 280 हो जाता है। इसमें गियर ऑयल अलग से मिल रहा है इसी के साथ, ये देखिए गियर ऑयल इसी में दिया हुआ है। दोनों का प्राइस 70 रुपीज़ गियर ऑयल का है और ये 304 है, दोनों मिला करके ऑफर के बाद 324, और आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लीजिएगा तो आपको 280-290 तक ये मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये 800 ml है जो कि एक्टिवा और प्लेजर के लिए मोर देन एनफ है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 1 लीटर का परचेज़ कर लेते हैं और पूरा का पूरा पोर कर देते हैं, वो सही नहीं है। जितना हार्मफुल लो इंजन ऑयल है उतना ही हार्मफुल हाई लेवल ऑफ इंजन ऑयल है, तो जो क्वांटिटी है उतना ही आपको डालना है, ज़्यादा आपको पोर नहीं करना है, उससे आपका जो इंजन है अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगेगा। ये देखिए, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ये है हमारा गियर ऑयल और ये है हमारा इंजन ऑयल। और कैस्ट्रॉल में एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है, ये देखिए ये इस तरह से ऊपर आ जाता है तो पोर करने में बहुत इजी होता है। ये देखिए पोर करने के लिए ये बहुत अच्छा है, एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर ये बन जाता है तो पोर करने के लिए बहुत अच्छा ये हो जाता है। तो आइए हम लोग इंजन ऑयल पहले पोर करते हैं। ये हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग पोर करेंगे। तो यहाँ पे फिलिंग कैप है, इसे हम लोग ओपन कर लेंगे और इसी में हमें इंजन ऑयल पोर करना है। बहुत ही केयरफुली हमें पोर करना है, इंजन ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए इसमें हमें पोर करना है। और जब हमने इसमें से इंजन ऑयल निकाला था तो अराउंड 700 ml बाहर निकला था, और अभी जब हम लोग इसमें पोर करेंगे तो अराउंड 700 ml इसके अंदर जाएगा। और इंजन ऑयल पोर करने के पहले आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपने ड्रेन बोल्ट को टाइटली इंस्टॉल किया था या नहीं। तो मैंने इसमें पोर किया है और एक बार लेवल आपको बीच बीच में देखते रहना है कि लेवल कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको पोर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए लेवल आप देखिए इसमें
कि कहाँ तक पहुँचा, तो इसमें लेवल यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक ऑयल शो कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा और हम लोग पोर करेंगे, तो लेवल इसमें मैक्सिमम लेवल तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है। तो अराउंड 700 इंजन ऑयल इसके अंदर गया है, और जो रिमेनिंग 100 ml इंजन ऑयल है, तो इसे या तो आप गियर ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, और या फिर आप इसे सेफली रख सकते हैं टॉप अप करने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मत आप टेंशन लीजिए कि इस ऑयल का होगा क्या, और आप उसमें पोर किए जा रहे हैं, लेवल से ऊपर तक पोर करें तो ये सही नहीं है, बहुत डेंजरस होता है वो। तो इसे आप सेफली रख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2000 किलोमीटर टॉप अप में ये काम आएगा। बहुत लोगों को लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ऑयल डालेंगे तो आपका इंजन और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा अच्छा काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये बॉटल अब कहाँ रखें, किधर रखें, इससे अच्छा इसी में पोर कर देते हैं, तो वो भी डेंजरस है। आपको कभी भी जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे ज़्यादा आपको पोर नहीं करना है। तो हमारा इंजन ऑयल कंप्लीट हो गया है, अच्छे से पोर हो गया है, लेवल आ गया है, इंजन कंप्लीटली हैप्पी हो चुका है। अब आते हैं गियर ऑयल पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.12 लीटर मीन्स 120 ml, ये 120 ml है, तो सिंपली हमें इसे कट करना है और यहाँ पे हमें पोर करना है। पहले हम लोग सिरिंज का यूज़ करते थे और हम लोग कैन का यूज़ करते थे, बट अब ये बहुत अच्छा है पोर करने के लिए, कोई कैन और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग सिंपली इसमें पोर कर देंगे। गियर ऑयल बहुत ही अच्छा होता है गियर्स के लिए। जब हम लोग सिरिंज से या कैन से पोर करते थे तो हम लोग वेट करते थे कि कब यहाँ से वोमिट हो, तो हम लोग स्टॉप करते थे, बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे ऑलरेडी मिजर्ड है 120 ml, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 120 ml इसमें पोर हो गया, वोमिट का वेट करने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मिजर्ड क्वांटिटी है। ये देखिए ये हो गया है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोनों में आपका अल्मीनियम वाशर होता है। तो ये हमारा आ गया, इस तरह से इसे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे और टाइट कर देंगे। ये देखिए 120 ml था, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे हम लोग टाइट कर देंगे। और इसी के साथ हमारा गियर ऑयल भी कंप्लीट हो गया, अच्छे से पोर हो गया है। तो इस तरह से इंजन ऑयल और गियर ऑयल हम लोग पोर करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। हर एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आते हैं फिल्टर पे। तो फिल्टर के बॉक्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ये जो फिल्टर एलिमेंट है इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आपका बहुत ज़्यादा डर्टी है, क्लीन करने लायक नहीं है, तो आप सिंपली न्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है फिल्टर एलिमेंट परफेक्टली, और उसके बाद यहाँ पे इसके कवर को हम लोग इंस्टॉल कर देंगे इस तरह से। ये कवर इंस्टॉल हो गया इसका, और इसके बाद इसका स्क्रूज हम लोग लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा एयर फिल्टर भी इंस्टॉल हो गया, और इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे गियर ऑयल रिप्लेस करते हैं, कैसे इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं, और कैसे एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं या रिप्लेस करते हैं,
ये जो प्रोसेस था बहुत ही सिंपल था, और आप भी मुझे बोलेंगे कि ये कितना सिंपल है, इसे बताने की क्या ज़रूरत है। बट दोस्तों, इसी छोटे छोटे काम के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में सर्विस सेंटर पे लगे रहते हैं, सुबह सुबह अपने व्हीकल को वहाँ पे पार्क करते हैं, सर्विसिंग के लिए देते हैं, और उसके बाद वेट करते हैं 2-3 घंटा, या वो लोग फिर पैदल या ऑटो से ऑफिस जाते हैं और रिटर्न शाम में उसे जल्दी आकर के उसे लेते हैं। तो यही छोटा सा काम है जो कि 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम, या मैक्सिमम एक तरह से कर सकते हैं हाफ आवर में आप खुद से कर सकते हैं, इसी के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं और इतना टेंशन लेते हैं। तो बेसिक सर्विसिंग जो था, ऑयल और फिल्टर, ये इस तरह से होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये सीरीज़ का पार्ट है, सीरीज़ के और सारे वीडियोस आएंगे, आप उसे देख सकते हैं। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि इस सीरीज़ की जो बाकी वीडियोस हैं जो हम लोग गियरलेस स्कूटर की रिपेयरिंग के बारे में देख रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने स्कूटर में सर्विसिंग करना चाहें, तो इस तरह से ऑयल और फिल्टर को रिप्लेस कर सकते हैं।